जिंदगी कहते हैं कहानियों का एक सफर है और हर कहानी कुछ ना कुछ कहती है। तो ये कहानी तब की है जब मैं यानी कि लवलीना मुंबई जा रही थी, शहर जो सपनों, उम्मीदों, कारोबार और समुद्र के बीच तहरता रहता है, जिसकी ऊंची ऊंची इमारतों ने एक बार फिर से मेरा मन मोह लिया था। तो सोलो गर्ल ट्रैवलर का ये सफर इस समुद्री शहर में कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था, आइए आपको इस ब्लॉग के जरिए दिखाते हैं, जो शुरू तो हुआ था नई दिल्ली से और खत्म हुआ मुंबई पर। और क्यों आखिर वहां पर खत्म हुआ, इसके पीछे भी एक गहरी कहानी है। आइए आपको इस कहानी से रूबरू करवाती हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ अपने स्टॉप पर पहुँच गए हैं। वैसे तो ट्रेन आने में बहुत समय है और हम पहुँचे हैं दिल्ली सराय रोहिला। और हमारे पास स्टेशन पर बैठकर कुछ और करने के लिए तो था नहीं, ट्रेन आने में लगभग एक घंटा था, तो हमसे जो बन पड़ा हम वो सब कुछ करने लगे वहाँ बैठे बैठे। हमें अक्सर कहा गया कि रेलवे स्टेशन पर टाइम से पहले पहुंच जाया करो, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना पहले पहुंचने के बाद भी इतना इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग स्टेशन पर जाते हैं और टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो मुझे बताइए कि आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो जनाब, पूरे एक घंटा वेट करने के बाद हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं। ये हमारी नीस हैं जिन्होंने अपनी सीट ले ली है और जिन्हें छोड़ने के वास्ते हम मुंबई जा रहे हैं। और हमारी हरकतें देखिए, और सच बताएं तो हमारी मम्मी का इन हरकतों को देखकर कहना है कि बेटा लगता नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई। अब बात ये है ना, सिंपथी की वजह चाहे जो भी हो, मुंबई तो हम जा रहे हैं। अब जाके वहाँ क्या धमाल करने वाले हैं ये तो वहीं जाके पता चलेगा। वैसे सुना है मुंबई का मौसम बड़ा मस्त हो रहा है, दिल्ली से तो काफी ज्यादा बेहतर है। चलिए देखते हैं कि मुंबई हमें क्या नजर आती है। मुंबई आ रहे हैं। पूरे एक दिन ट्रेन में बैठे रहने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, सोने उठने खाने बैठने से लेके बोर होने तक जब वेस्टर्न रेलवे खिड़की से बाहर नजर आई तो थोड़ी जान में जान आई। सच बताएं तो हम इस ट्रेन से उतरने का इतना बेताबी से इंतजार कर रहे थे ना, माँ कसम क्या ही बताएं। तो भाई देखिए, बात सिंपल सी है, लीगल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। घर से बहुत ज़्यादा वेले हो, बहुत ज़्यादा फ्री हो, कहीं नहीं जाना, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो आप इस ट्रेन को प्रेफर कर सकते हैं जो कि है गरीब रथ। ट्रेन की जर्नी करते करते इतना थक गई कि आगे का व्लॉग आपको अगली वीडियो में जरूर दिखाऊंगी। ये था वीडियो का पार्ट वन जो आप देख रहे थे, और कैसा रहा मेरे 5 दिनों का सफर मुंबई में, मुंबई माया नगरी में, ये आपको जरूर पार्ट टू में दिखेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है।